The टॉपिक ऑफ आवर प्रेजेंटेशन इज ट्रेड ऑफ एंड को एवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रेड का मतलब होता है तजारत, यानी कि लेन देन वगैरह। तो बेसिकली ट्रेड ऑफ का मतलब होता है व्हेन यू गेन समथिंग बट लॉस समथिंग इन रिटर्न। मतलब कि अगर एक तरफ से आप फायदा लेना चाह रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई कॉस्ट भी होती है, या कोई कीमत अदा करके आप फायदा लेते हैं। अब एक एवोल्यूशनरी ट्रेड ऑफ क्या होता है? तो एन एवोल्यूशनरी ट्रेड ऑफ इज व्हेन अ जेनेटिकली बेस्ड ट्रेड्स और सेट्स इंक्रीज परफॉर्मेंस इन वन एनवायरनमेंट और कंडीशन व्हाइल डिक्रीजिंग परफॉर्मेंस इन अनदर। यानी कि ऐसे ट्रेड्स जो कि एक कंडीशन के अंदर तो परफॉर्मेंस को इंक्रीज करवा रहे होते हैं, या हम यूँ कह लें कि फ़ायदा पहुँचा रहे होते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस दूसरी कंडीशन के अंदर क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, तो उसे हम जो है वो ट्रेड ऑफ का नाम देते हैं। तो अगर हम कंडीशन के बारे में बात करें तो एनिमल्स के अंदर किस तरह के ट्रेड ऑफ पाए जाते हैं या कौन से ट्रेड ऑफ होते हैं, तो ये बेसिकली होता है कि जब इंक्रीज इन वन थिंग माइट लीड टू डिक्रीज इन अनदर, के एक चीज़ के इंक्रीज होने से उसकी कीमत दूसरी चीज़ की कमी से चुकानी पड़ती है। और ऐसा होता कब है कि खासतौर पर जब हम कह लें कि जब रिसोर्सेज की कमी होती है, और ये रिसोर्सेज की कमी ही बेसिक कंडीशन होती है ट्रेड ऑफ के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एग्जाम्पल बताई हुई है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ट्रेड ऑफ। अब ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ट्रेड ऑफ किस तरह से होता है कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो एनर्जी अगर ग्रोथ के लिए यूज हो रही होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि जो एनर्जी रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, और जो ग्रोथ रेट होगा वो बढ़ जाएगा और रिप्रोडक्शन का रेट कम हो जाएगा। बेसिकली इनवर्स रिलेशनशिप प्रेजेंट होता है इन दोनों ट्रेड्स के दरमियान। यानी कि अगर जो है वो ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए होगी तो एनर्जी जो है होती है रिप्रोडक्शन के लिए वो कम हो जाएगी, और हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रेड ऑफ हो जाएगा, और ये ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी और रिप्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब जैसा कि इस ग्राफ में दिखाया हुआ है कि इसके एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो सर्वाइवल है, और इसके जो वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो रिप्रोडक्शन है। तो इन दोनों के दरमियान आप देख सकते हैं कि एक इनवर्स लाइन, या हम यूँ कहने की इनवर्स रिलेशनशिप प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये है होता क्या, इसका मतलब क्या है कि जब एनर्जी रिप्रोडक्शन के लिए ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट सर्वाइवल होगा, या वाइस वर्सा हम यूँ कह लें कि जब सर्वाइवल के नेसेसरी होगा तो एनर्जी एनिमल के सर्वाइवल के लिए यूटिलाइज हो जाएगी और उसकी कॉस्ट रिप्रोडक्शन होगी, यानी कि रिप्रोडक्शन का रेट जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम एनिमल्स के अंदर ट्रेड ऑफ की एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहले आ जाते हैं हाउलर्स मंकीज। ठीक है, तो हाउलर्स मंकीज क्या होते हैं, ये असल में डॉग के साइज के एनिमल होते हैं जिनका जो वजन होता है वो तकरीबन 7 से 10 केजी वजन होता है उनका। और जो होते हैं ये अमंग, इनकी एक खासियत ये है कि ये अमंग लाउडेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो लाउडेस्ट होते हैं उनमें से ये फॉल करते हैं। अब ये लाउडेस्ट क्यों होते हैं कि इनका जो होता है ना हायर्ड बोन इनके नेक के अंदर, और जो उनका वोकल ट्रैक्ट होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, और इनके अंदर एक फिनोमेना ये होता है कि जो इनके हाउलर मंकीज के अंदर जो टेरिटरी की मेंटेनेंस होती है, यानी कि जो डोमिनेंट मेल होता है वो असल में उनकी वोकल ट्रैक्ट की वजह से और उनकी आवाज की वजह से होता है। यानी कि जिस मेल का वोकल ट्रैक्ट और हायर्ड बोन बड़ी होगी उसकी आवाज ज्यादा होगी और वो अपनी टेरिटरी को मेंटेन करेगा। लेकिन अब चूंकि आवाज़ ज्यादा होगी और एनर्जी भी ज्यादा इस्तेमाल होगी तो उनको हाउल करने के लिए देखा गया कि जो टेरिटोरियल मेल होते हैं उनके टेस्टिस का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, क्योंकि जो एनर्जी जो है वो हायर्ड बोन और वोकल ट्रैक के लिए, यानी कि बोलने के लिए ज्यादा यूटिलाइज हो रही होगी या उनके हाउल करने के लिए यूटिलाइज हो रही, और उसका जो ट्रेड ऑफ होगा उनके जो है वो टेस्टिस को चुकाना पड़ेगा, उनके टेस्टिस का साइज छोटा हो जाएगा। यानी कि जो डोमिनेंट मेल के, और फिर होगा क्या अल्टीमेटली ट्रेड ऑफ होगा क्या कि जो डोमिनेंट मेल होंगे उनके टेस्टिस का साइज छोटा हो जाएगा, उनके अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और अल्टीमेटली इन ट्रेड ऑफ की वजह से जो हमारे पास जो डोमिनेंट मेल होगा उसकी जो टेरिटरी होगी वो बहुत ज्यादा स्मॉल होगी, यानी कि उस एक ग्रुप के अंदर जो है वो एक डोमिनेंट मेल होगा और जस्ट 5 to 6 फीमेल्स होंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑफस्प्रिंग वर्सेस सर्वाइवल। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो क्लच साइज दिखाया गया है और वाई एक्सिस के ऊपर जो है नंबर ऑफ सर्वाइविंग ऑफस्प्रिंग दिखाए गए हैं। अब जैसे जैसे जो है वो क्लच का साइज बढ़ता है, ठीक है, एग लेइंग एनिमल्स के अंदर, ठीक है, क्लच साइज मतलब कि एग लेइंग कितने एग्स है, एग्स की प्रोडक्शन कितनी ज्यादा या ऑफस्प्रिंग कितना ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो जैसे जैसे जो है वो क्लच का साइज इंक्रीज होता जाता है तो जो ये आप देख रहे हैं ये जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग कंडीशन में जा रहा है अंटिल ऑप्टिमल क्लच साइज, यानी कि ऑप्टिमल क्लच साइज तक जो है नंबर ऑफ सर्वाइविंग ऑफस्प्रिंग जो है वो बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ऑप्टिमल क्लच साइज जो है 10 होता जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ऑप्टिमल क्लच साइज तक जो है पेरेंट्स अपने जो ऑफस्प्रिंग होगा उनको जो है वो फीड भी कर सकेंगे और उनको जो है वो प्रेडेटर से जो है वो प्रोटेक्ट भी कर सकेंगे। लेकिन अगर क्लच साइज इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो मोर देन ऑप्टिमल क्लच साइज हो जाएगा तो पेरेंट्स क्या करेंगे, वो ना तो अपने जो ऑफस्प्रिंग की है वो
केयरिंग कर सकेंगे ठीक तरीके से और ना ही जो है उनको प्रेडेटर से बचा सकेंगे, और इसी वजह से ये ग्राफ है ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये इसका ट्रेड ऑफ है कि अगर क्लच साइज जो है वो मोर देन ऑप्टिमल हो जाएगा तो उसके नतीजे में क्या होगा कि नंबर ऑफ सर्वाइविंग ऑफस्प्रिंग जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग की जो है वो केयर नहीं कर सकेंगे ठीक तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास आया था फेकेंडिटी ग्रोथ एंड सर्वाइवल का ट्रेड ऑफ। अब ट्रेड ऑफ देखा गया है कि रियल स्टर्जन के अंदर क्या होता है कि उनकी फेकेंडिटी और सर्वाइवल के दरमियान जो है ट्रेड ऑफ प्रेजेंट होता है। अगर तो जो है वो रियल स्टर्जन में होता क्या है कि बेसिकली कि जितनी ज्यादा जो है स्टर्जन का साइज बड़ा होगा और जितनी ज्यादा उसकी एज होगी तो उतना ज्यादा क्या होगा उसके जो है नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग या उसका फेकेंडिटी का साइज जो है वो ज्यादा होगा। लेकिन इस एज तक पहुंचने के लिए या साइज को पहुंचने के लिए अगर जो है वो स्टर्जन वेट करती रहेंगी तो उसके नतीजे में क्या होगा, वो ऑफस्प्रिंग तो ज्यादा प्रोड्यूस कर सकेंगी लेकिन उसका ट्रेड ऑफ ये होगा कि उनके अंदर जो है वो डेथ के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं ठीक है। तो ये इनका जो है वो फेकेंडिटी और सर्वाइवल के दरमियान ट्रेड ऑफ देखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आया था ग्रोथ वर्सेस सर्वाइवल ट्रेड ऑफ। अब वही बात की अगर जो है एनर्जी ग्रोथ के लिए ज्यादा यूटिलाइज हो जाएगी तो एनर्जी जो है डिफेंस के लिए होगी एनर्जी वो कम हो जाएगी। इसी तरह अगर जो है ग्रोथ के लिए एनर्जी कम होगी तो वो एनर्जी क्या हो जाएगी, वो डिफेंस के लिए जो है वो ज्यादा यूटिलाइज होगी। ये भी इनवर्स रिलेशनशिप प्रेजेंट है, यानी कि ग्रोथ ज्यादा तो डिफेंस कम और अगर ग्रोथ कम हो तो डिफेंस ज्यादा। उसके बाद बिटवीन केयरिंग एंड सर्वाइवल में आ जाता है कि ये जो हमारे पास रेड डियर होते हैं, रेड डियर फीमेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं कि जो इन्होंने समर के अंदर जो अपने जो है वो काफ्स ले किए होते हैं उनको जो है वो विंटर के अंदर उनकी जो है वो प्रोटेक्शन करती हैं। और देखा गया है कि ये अगले विंटर तक, ठीक है, एक विंटर से लेकर अगले विंटर तक वो जो फीमेल्स अपने काफ्स को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं वो क्या कहते हैं उनके डेथ के चांसेस जो है वो अगले साल तक ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि उनकी मोर्टेलिटी का रेट जो है विंटर के अंदर जो है वो ज्यादा हो जाता है क्योंकि वो अपने काफ्स को क्या कर रही होती है, उनकी केयरिंग कर रही होती है। इसके बाद हमारे पास स्नेक का ट्रेड ऑफ आ जाता है। असल में जो स्नेक्स होते हैं वो क्या कहते हैं, वो जो है वो टॉक्सिक न्यूट्स को खाते हैं। तो उनके दरमियान क्या होता है कि टॉक्सिक न्यूट्स के खाने के लिए उनके अंदर जो है वो टीटीएक्स रेजिस्टेंस भी अपने अंदर जो है वो स्नेक ने बनाई होती है, ठीक है। लेकिन अगर क्या होगा कि अगर स्नेक अपने अंदर जो है वो टीटीएक्स रेजिस्टेंस ज्यादा कर लेगा, ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे, तो अगर टीटीएक्स रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो जाएगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि वो न्यूट्स को तो इजिली खा सकेगा लेकिन उसका ट्रेड ऑफ क्या होगा कि उसके अंदर क्रॉलिंग की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी स्नेक के अंदर। इसी तरह अगर जो है वो इसके बरक्स ये जो राइट साइड पे है कि अगर जो है वो उसके अंदर टीटीएक्स रेजिस्टेंस कम होगी तो उसकी क्रॉलिंग स्पीड तो ज्यादा होगी लेकिन वो क्या करेगा, वो न्यूट्स को खाने के काबिल नहीं रहेगा। इस तरह न्यूट्स के अंदर भी ट्रेड ऑफ है कि अगर जो है वो बहुत ज्यादा टीटीएक्स प्रोडक्शन करेगा तो वो क्या स्नेक से तो बच सकेगा, ठीक है, स्नेक उसको कम खाएंगे लेकिन उसका ट्रेड ऑफ क्या होगा, उसके अंदर जो है वो ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। और अगर उसके अंदर जो है वो टीटीएक्स की रेजिस्टेंस बहुत कम है तो वो ऑफस्प्रिंग तो ज्यादा प्रोड्यूस कर सकेगा लेकिन उसका ट्रेड ऑफ क्या होगा कि उसके मोर लाइकली टू बी ईटन, यानी तो उसके जो है ईट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि उसके अंदर जो है वो टीटीएक्स की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। इस तरह लास्ट एग्जाम्पल आ जाती है ट्रेड ऑफ की मेटिंग वर्सेस सर्वाइवल, यानी कि इसमें नियोट्रॉपिकल फ्रॉग्स आ जाते हैं, ठीक है, जो हमारे पास जब मेटिंग सीजन के अंदर जो मेल फ्रॉग्स होते हैं वो क्या कहते हैं, वो हमारे पास कॉल्स करते हैं मेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो सिर्फ वो फीमेल फ्रॉग ही नहीं होती जो कि हमारे पास जो है कॉलिंग मेट्स को जो है वो सुनती हैं बल्कि कुछ बैट्स भी होते हैं जो कि उन कॉलिंग मेट्स को सुनते हैं और बैट्स क्या करते हैं कि उनको फिर वो जो कॉलिंग मेट्स होते हैं उनको जो है शिकार कर लेते हैं। वो असल में फ्रॉग ईटिंग बैट्स होते हैं जो कि कॉलिंग मेट्स को जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। ये इसका जो हमारे पास इसका ये एडवांटेज तो ये होता है कि फीमेल तो अट्रैक्ट हो जाती हैं लेकिन इसका हमारे पास ट्रेड ऑफ ये होगा कि उसके जो है वो चांसेस उनके बाय चांसेस ऑफ प्रे बाय या प्रेडेशन बाय बैट्स वो ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो दैट्स ऑल।